एवरीवन, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इस स्वतंत्रता दिवस के दिन चलिए दो मिनट हम अपना लगाते हैं टू रिमेम्बर ऑल दोज पीपल, उन लोगों को याद करने में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो नेशनल लीडर्स थे, जो कॉमन लोग थे, जो वॉलंटियर्स थे, जिनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है आज हमें स्वतंत्र करने में। तो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई सबसे ज्यादा पेस पकड़ती है इन द ईयर 1885, जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी स्थापना होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे एसोसिएशंस थे जो हमारे नेशनल मूवमेंट को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, बट फॉर्मली हमें रियलाइज हो जाता है कि जब तक इंडियंस एक साथ नहीं आते हैं, यूनाइटेड नहीं होते हैं, ये राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म की जो भावना है ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो कांग्रेस फॉर्मेशन होने के बाद 1905 जब पहली बार पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, उस टाइम पे हम स्वदेशी मूवमेंट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स मूव, एंड ये पहला कल्चरल मूवमेंट होता है जहां पे हम पहली बार वंदे मातरम गाते हैं, पहली बार हम भारत मां को वर्शिप करते हैं, पहली बार राष्ट्रवाद की भावना लोगों में बढ़ती है। जो लोग पहले पॉलिटिक्स से अनजान थे वो पहली बार फोर फ्रंट में आते हैं, हम राखियां बांधते हैं, हम गंगा में डुबकी लगाते हैं। ये सारे कल्चरल मेथड से सारे इंडियंस एक साथ आ जाते हैं, जिसके बाद नेशनल मूवमेंट हमारा आगे बढ़ता है। हमने पहले तो बहुत ही प्रेयर पिटिशन का तरीका अपनाया था, मॉडरेट तरीका, बाद में जब ये काम नहीं किया हमने एक्सट्रीमिस्ट तरीका अपनाया जहां पे रेडिकल मेथड्स अपनाए। दोनों ही मेथड हमारे नेशनल मूवमेंट में काम नहीं करते, जिसके बाद गांधी जी आते हैं द ईयर 1914, वो अपने नए यूटोपियन मेथड लेके आते हैं ऑफ सत्याग्रह, ऑफ नॉन वायलेंस, एंड ये सत्याग्रह नॉन वायलेंस का जो मेथड है हम इसको इस्तेमाल करते हैं इन द ईयर 1920 अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। मूवमेंट बहुत हद तक कामयाब होता है, जिसके बाद मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है क्योंकि वायलेंस हो जाता है चौरी चौरा में। इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम आगे लेके अपना नेशनल मूवमेंट बढ़ाते हैं, एंड इन 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। उसके बाद 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, जहां पे गांधी जी हमें स्लोगन देते हैं डू एंड डाई। तो ये हमारा जो नेशनल मूवमेंट जिस पेस से आगे बढ़ा है, इसमें बहुत बार ऐसे फेलियर्स आए हैं जहां पे टेक्निकली हमारा नेशनल मूवमेंट, कई बार आपने देखा होगा ब्रिटिशर्स के साथ नेगोसिएशन होता है, इस नेगोसिएशन में कई बार हम जो डिमांड्स करते हैं वो डिमांड्स हमारे पूरे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ऑगस्ट बफर, फॉर एग्जाम्पल वेबल प्लान, ये सारे प्लान में हमने डिमांड कुछ और किया था, ब्रिटिशर्स हमें ऑफर कुछ और करते हैं, स्टिल वी डिड नॉट लूज होप, स्टिल हम नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं फॉर दैट वन डे जहां पे शायद हमारे जो विशेष हैं वो ब्रिटिशर्स जो है वो पूरा कर दें और हमें हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो ग्रांट कर दें। लाहौर सेशन में हम डिसाइड करते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, उसके बाद हम मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो मूवमेंट कई बार फेल हुआ है, कई बार मूवमेंट पीछे चला गया है, कई बार ब्रिटिशर्स ने हमें वो चीजें नहीं दी जो हमें चाहिए था, स्टिल वी वेंट ऑन विद द मूवमेंट। तो आपको अपने लाइफ में इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट से, ये जो हमारा मूवमेंट चला है इतने सालों से, आपको इससे इंस्पायर होना चाहिए, बिकॉज हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसे प्लान्स होंगे जो हम लेंगे विच विल ऑब्वियसली बैकफायर अस। कई बार ऐसा होता है जहां पे आपके डिसीजंस आप लेते हो लोगों से लड़के और वो बैकफायर कर जाते हैं, बट इट इज हियर यू हैव टू सपोर्ट योर सेल्फ, क्योंकि नेशनल मूवमेंट में कई बार गांधी जी ने ऐसे डिसीजंस लिए थे जहां पे बाकी लोग उनके सपोर्ट में नहीं थे, स्टिल ही स्टूड विद दोज डिसीजंस, और एक साथ यूनिटी के साथ हमारा नेशनल मूवमेंट जो है कम्स टू द फाइनल कल्मिनेशन, जहां पे जब लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं तो 3 जून के प्लान में ही टेल्स अस द डेट 15th August 1947 डेट होगा जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिलेगी। तो आफ्टर ऑल एफर्ट्स, आफ्टर ऑल द टाइम जब हमें लगा था शायद हमें स्वतंत्रता ना मिल पाए, वी डिड गेट इंडिपेंडेंस। तो लाइफ में नेशनल मूवमेंट से इंस्पायर होइए और इस स्वतंत्रता दिवस के दिन एक प्लेज लीजिए कि आप अपने आप को हमेशा बैक करेंगे, यू विल ऑलवेज लिसन टू योर सेल्फ, यू विल ऑलवेज स्टैंड अप फॉर योर ड्रीम्स। कई बार ऐसे डिसीजन होंगे जो शायद आपके अलावा बाकी लोगों को लगेगा ये नहीं हो सकता है, अब नेट के रिजल्ट डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, तो ये सारे टाइम पे यू हैव टू बैक योर सेल्फ, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है, बट जैसे हमारा नेशनल मूवमेंट कभी नहीं रुका, एंड इन द एंड वी डिड गेट रिजल्ट, बहुत लेट हुआ डेफिनेटली, बट इन द एंड वी डिड अचीव व्हाट वी वांट। तो आपका लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही है, कई बार डिसीजंस फेल होंगे, बट इन द एंड यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट यू वांट। और अभी तो एम आपका नेट जीआरएफ क्लियर करने का है, तो 45 डेज बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, एंड मेक श्योर यू गाइज क्लियर नेट जीआरएफ and you fulfill all your dreams and make your life very very accomplished and fly and sparkle. तो इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इंस्पायर होइए और ये इंडिपेंडेंस डे प्लेज लीजिए कि आप शाइन करेंगे, स्पार्कल करेंगे, सारी नेगेटिविटी से दूर रहेंगे और पॉजिटिविटी हार्डवर्क के साथ इस बार नेट जीआरएफ क्लियर करेंगे।